जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठर के बेटे हिलाल राठर ने जम्मू कश्मीर बैंक से कर्ज के लिए 177 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने सैर सपाटे व विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए किया। इसका खुलासा प्रवर्तन निदेशालय ईडी की अभी तक की जांच में हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दो दिन पूर्व राठर के कश्मीर, जम्मू, दिल्ली व लुधियाना के 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अभी तक हुई जांच से ये बात सामने आई है कि हिलाल ने हास्य कलाकार कपिल शर्मा के शो में भी पैसा लगाया। इसके अलावा उन्होंने सुनिधि चौहान के शो को स्पॉन्सर किया। हिलाल ने मैसर्स सिमुला सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के नाम से अपनी एक कंपनी खोल रखी थी और तीन बार वो सिमुला की टीम को T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए दुबई के शारजाह ले गए।